अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग जो है वो टू स्टेप हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम लोगों ने जी टेस्ट को यूज किया था मीन्स के लिए और परसेंटाइल के लिए। इसमें हम लोग जो चीज यूज करने जा रहे हैं वो भी सेम उसी की ही कॉपी है, जस्ट इसमें थोड़ा सा चेंज आउट कर देना। यहाँ पे आपके पास म्यू वन और म्यू टू आ जाएगा, ठीक है। म्यू वन है और एक को म्यू टू का नाम दिया गया है, चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। पहला आप लोगों के पास जो वो आ जाता है कंपाउंड का एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। एक तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करना है यूजिंग ए, आप लोगों ने ये वाला यूज करना है, ठीक है, जिसको अपने अल्फा का नाम दिया हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। स्टूडेंट्स परेशान है ना, ये आप लोगों के पास मीन है एक्स वन और ये वेरियंस है आप लोगों के पास, जिसको वेरियंस वन का नाम दिया गया है। उसके बाद ये सेकंड आप लोगों के पास मीन है और ये सेकंड ही आप लोगों के पास क्या है, वेरिएंस दिया हुआ है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं हो जाना है, ठीक है। अब ये वैल्यूज को पुट आउट आप लोगों ने अलग अलग कर लेने हैं, जब वैल्यू अलग अलग हो जाए। अब 42 था तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसमें एन वन एक्स वन और आप लोगों को सिग्मा वन स्क्वायर नाम दे दिया। अब टू के लिए हम लोग एन टू एक्स टू बार और एक्स टू बार स्क्वायर है, जिसके लिए हम लोग जो है वो नाम दे दिया। अब फार्मूला आप लोगों ने लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू, उसका फार्मूला आप लोगों के पास आ जाता है सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू। अब 9/42 प्लस का 16/57, जब इन दोनों को हम लोगों ने इसको भी डिवाइड कर लिया ये आंसर आ गया, इसको डिवाइड किया ये आंसर आ गया, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लो जी, पहली चीज हम लोगों ने निकाली, दूसरी चीज के लिए स्टूडेंट से परेशान बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर आप लोगों यहाँ पे चेकआउट करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने एच नॉट दिया हुआ है, जो कि हमारे पास कहता है एच नॉट हमारे पास है यू वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू टू, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यू वन माइनस का यू टू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब एच वन के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एच वन इज इक्वल एच वन जो हमारे पास जाएगा यू वन लेस देन यू टू। अब एच नॉट के लिए यू वन जो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू टू था, जिसको यू टू का नाम भी कह सकते हैं, यू टू भी कह सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। और एच वन जो है उसके लिए हम लोगों ने म्यू वन या यू वन लेस देन यू टू ये फार्मूला लगा दिया। अल्फा की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में कीमत थी, टेस्ट आप लोगों ने लगा दिया। लो जी, जी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, जिसमें आप लोगों को दो वैल्यू मीन दिए जाए, दो वेरियंस दिए जाए, दो एन की वैल्यूज दी जाए, उसमें आप लोगों ने जी वाला ये वाला टेस्ट है वो अप्लाई करना है। ये चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, ये चीज आप लोगों के पास नहीं थी, इसको आप लोगों ने फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। जितनी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आप खुद अपने हाथ से करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों को आएगा। खैर, वैल्यूज को पुट आउट करके फार्मूले में हमारे पास जी की वैल्यू हो जाएगी। ये फिर आप लोगों ने वही करना है कि अगर जी की जो कैलकुलेटर पे आप लोग वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू बड़ी हो और जी टेबल वाली वैल्यू छोटी हो तो फिर तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन जी कैलकुलेटर पे जो वैल्यू निकालते हैं वो आपके पास छोटी हो और जी टेबल वाली वैल्यू आपके पास बड़ी हो तो फिर आपका जो जी टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का पता चल गया होगा। ये वैल्यूज आप लोगों ने किस तरह से चेकआउट करनी है, ये वैल्यू आप लोग अपना जी टेबल यूज करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसे लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों के पास सेम वैसे का वैसे खुद ट्राई कीजिएगा, अगर ना आता हो तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जल्दी से अपने कोर्स अपने को कवर अप करने, देन आप लोगों के साथ पास पेपर और इसके स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ में गेस्ट पेपर भी इसी चैनल के प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपने मेरे यूट्यूब चैनल जो है कामरान इन्फॉर्मेशन, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियोस होंगी आप लोगों को मिलती रहेंगी। जरूरी नहीं है जस्ट आप लोगों को स्टैट के बारे में बताया जाएगा, बाकी भी इलामिक पॉल ऑपर्चुनिटी के रिलेटेड जितने भी आप पास पेपर होते हैं गेस्ट पेपर होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को स्टूडेंट्स जॉब्स के रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। लेटेस्ट जॉब जो भी आती है पाकिस्तान में उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप लोगों ये चेकआउट कर सकते हैं, अगर जो भी क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों को इश्यू हो तो आप लोग बता सकते हैं जी। पहले आप लोगों ने जी टेस्ट यूज किया था, यहाँ पे आप लोगों ने टी टेस्ट यूज करना है। तो टी टेस्ट में भी चीजें सेम है, थोड़ा सा आप लोगों के पास डिफरेंस है,
ये वाली चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट करने, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, सारा कुछ आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर्मूला आप लोगों ने लगा देने, फिर भी वही चीज है एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने चेंज अप कर लेने। परसेंटाइल की बात करेगा, किसकी बात करेगा जी, परसेंटाइल की बात करेगा, ठीक है। तो उसमें लिए आप लोगों ने परसेंटाइज वाला फार्मूला यूज आउट कर देना जी। इसके लिए आप लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा एस पी स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है एन वन माइनस वन एस वन स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वन एस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ये वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूले में आप लोगों ने स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट आउट करते जाने और आप लोगों के पास जो वो आंसर आ जाएगा। आप लोगों को तो एस पी चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इधर भी आप लोग इसका जो आंसर आया था इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो स्टूडेंट अंडर रूट से ये काट जाएगा, तो एस पी आप लोगों के पास अकेला बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी भी समझ आ जाएगी, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी आप लोगों को पता चल गया होगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला मसाइल हो तो जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं बंदा नचीज आप लोगों की कोशिश करके सवाल जरूर हल करवा दूंगा, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी चैनल पे आप लोगों को गेस्ट पेपर और काफी कुछ मिलने वाला। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।